हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे डेंजर ब्रो गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। यार तो चले गए, आज हम फिर से आ चुके हैं पोकेमोन इवोल्यूशन पार्ट टू में। और भाई देखते हैं आज गाइस वैसा ही होने वाला है, लेकिन आज हम बहुत सारे चैलेंजर्स को हराने वाले, मतलब बहुत सारे बैटल करने वाले। आज हम ब्रॉक से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्रॉक के पिताजी के साथ हम बैटल करने की ट्राई करेंगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक साइड मिशन दिया गया है, हमें यार एक कैटरपी को पकड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, एक कैटरपी आ चुकी है 7 लेवल की यार, इसको हम देखते हैं पकड़ सकते हैं या नहीं। और भाई हमारे सामने आ चुकी कैटरपी। चार मिलियन स्क्रैच अटैक करो, हमें इसको हराना नहीं और हमें इस कैटरपी को पकड़ना है। 60 का डैमेज दिया उसने भी, 37। एक और बार स्क्रैच अटैक करो, 4 मिलियन 57 का डैमेज। एक और बार स्क्रैच अटैक, देखते ही बच जाएगा। और अब हम फेंकेंगे पोकी बॉल, इसने डिफेंस बढ़ाया, पोकी बॉल जा और कैटरपी को हमारे हवाले कर दो। और फाइनली हमारा एक और पोकेमोन हमारी टीम में आ चुका है, जिसका नाम है कैटरपी। स्पेशल डिफेंस 10- है और स्पीड ज़्यादा है। तो चलिए देखते अगले मिशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं यार। और भाई पिछली बार हमने बैटल किया था समुराई से, देखते हैं अब की बार नेक्स्ट बैटल किसके साथ होने वाला है। बैकपैकर, देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमोन होने वाले। और गाइस देखते हैं यार, छोटा हो या पिद्दी हम उसको हरा ही देंगे। लेकिन यार देखते हैं इसका पहला ही पोकेमोन एक ककुना ही है। एम्बर हमने फाइनल किया और एक ही अटैक में फुस हो चुका है ककुना। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन इसका वोल्टॉब आ चुका है। एम्बर हमने फाइनली कर दिया है, 11 HP अभी तक बची हुई इस पोकेमोन की। एक और बार हम एम्बर अटैक करेंगे और फाइनली ये पोकेमोन और इसका ट्रेनर भी हार चुका है। लेकिन सॉरी जियोडूर आ चुका है। एम्बर हम लगातार करेंगे 44 का डैमेज, एक और बार उसने भी 40 का डैमेज दिया। एक और बार एम्बर का अटैक 48 अभी तक बची हुई है। दो हमले की जरूरत होगी हमें यार। 4 मिलियन एम्बर अटैक, 4 अटैक अभी तक, 4 HP अभी तक बचे हुए। फिर से हम करेंगे एम्बर अटैक और फाइनली ये जियोडूट हार चुका है 3-स्टार विक्ट्री के साथ। फटाफट से हम नेक्स्ट बैटल के लिए आगे बढ़ते हैं यार। लेकिन एक और प्लस ट्रेनर अपग्रेड लेवल हो चुकी हमारी, 10 लेवल तो फाइनली हो चुके। हमें फायर फैंक की जरूरत होगी, लेकिन उससे पहले सिग्नेचर गिफ्ट आ चुका है हमारे ऊपर, पिकाचू मिल चुका है। लेकिन थंडर बोल्ट जो TM है वो हमें, जिसे हम VIP मतलब पैसे दे के वो VIP 1 VIP 7 होता है ना, वो जब हम लेंगे वैसे ही वो रिवार्ड मिलेंगे आगे वाले। और इसके साथ जेम्स आ चुका है हमारे सामने बैटल करने के लिए। देखते हैं इसका पहला पोकेमोन कॉफिंग आएगा और नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा पता नहीं। पिछली बार अर्बॉक नहीं, एक केंस और कॉफिंग ही था, लेकिन देखते एम्बर अटैक के साथ बचता है या नहीं। और भाई 27 HP अभी तक बची हुई, 34 का डैमेज दिया। एक और बार स्क्रैच अटैक हमने किया और फाइनली कॉफिंग भी हार चुका है हमारे सामने। और भाई रैटाटा आ चुका है इसका पोकेमोन, मुझे नहीं लगता लेकिन एक बार देखा था इसका रैटाटा। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट पोकेमोन, सॉरी नेक्स्ट पोकेमोन नहीं, हम इसके अगले चैलेंजर मतलब JC के साथ हम बैटल करने वाला है अभी। लेकिन उससे पहले और इन्फॉर्मेशन आ चुकी, हमें नहीं करना यार, हम यार स्किप कर देते हैं, हमें पता है सब कुछ एक्सपीरियंस, मतलब वो कैंडी कैसे खिलानी है। लेकिन जाने दो, फटाफट से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है ये भाई, थोड़े थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है। जैसे आ चुके हैं हमारे सामने, इसके पास म्याउथ होगा यार मुझे तो लगता है, लेकिन इसके हाथ में म्याउथ कैसे आ गया यार। लेकिन ये बहुत चिल्लाती थी, बहुत खतरनाक देखा है इसका। जब एक बार इसके बाल काट डाले थे ना, वो सवाइपर को इसने बहुत मारा था यार, बहुत मज़ा आया था, बहुत गुस्से वाली फ्लेम थ्रोअर भी किया था इसने अटैक। और भाई हमारे 4 मिलियन के साथ इसका एकेंस हार चुका है और भाई मियाओत आ चुका है बोलने वाला है। इसका बोलना भी हमने एका है स्टार्टिंग के बैटल में। एम्बर एक और बार फाइनली मियाओत भी हार चुका है, लेकिन ये भी बहुत तगड़ा वाला था। सारे पोकेमोन वर्ल्ड में एक ही पोकेमोन था जो बोल सकता था, लेकिन मूवीज़ में यार
जो मेन मेन लेजेंडरी पोकेमोन थे ना वो भी बोल सकते थे। हर मूवी में एक एक पोकेमोन लेजेंडरी जो मेन होता था वो तो बोल ही सकता था। तो चलिए फटाफट से यार एक और हम स्किप कर लेते हैं, हमें पता है यहाँ पर गाइस ऑटो इक्विप हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसने तो एक ही किया, हम ऑटो इक्विप पे फाइनली क्लिक कर दे। अभी तक अपग्रेड नहीं आया है, 10,000 कॉइन हमें देने होंगे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट बैटल है ब्यूटी के साथ। क्या तगड़ी लग रही यार ब्यूटी। तो चलिए देख लेते इसका पहला पोकेमोन कौन से होने वाला है हमारे सामने। देखते इसका पहला पोकेमोन हमारे सामने एक मानचोप आ चुका है। एम्बर अटैक करेगा क्या नहीं, मतलब काम करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन 24 एचपी अभी तक बची हुई है, 74 का डैमेज दिया इसने भी। एक और बार एम्बर अटैक हमने फाइनली कर दिया और फाइनली मानचोप इसका हार चुका है हमारे सामने। अब हम फिर से करेंगे एक और बार एम्बर लगातार दो बार, और भाई अब की बार 92 ही बचा हुआ है और भाई इसने तगड़ा वार कर दिया हमारे ऊपर। लेकिन रुको, बर्नेड हो चुका है मानचोप, 78 है अभी तक। एक और बार एम्बर हमने फाइनली कर दिया और भाई ये ब्यूटी हार चुकी है हमारे सामने 3-स्टार विक्ट्री के साथ। फटाफट से हम आगे बढ़ लेते नेक्स्ट चैलेंजर के लिए यार, लेट्स गो। और इसके साथ बेस में हम आ चुके हैं, यहाँ पर एक प्रे आता है और यहाँ पर एक और चीज़ आ चुकी है, फ्यूजन पोकेमोन। हमें फ्यूजन तो नाम हमने सुना हुआ है अभी के टाइम, लेकिन पता नहीं क्या होता है फ्यूजन। लेकिन देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कैसा है आप लोगों का इस गेम प्ले पर सपोर्ट, और फिर से आएगा न्यू गेम प्ले। और भाई इसके बाद देखते हैं यार नेक्स्ट, यहाँ पर एक साइंटिस्ट रिसर्चर आ चुका है हमारे सामने बैटल करने के लिए। देखते हैं इसका कौन सा पिद्धी सा पोकेमोन होने वाला है। लेकिन एक छोटा सा कल ही देखा हमने, एक छोटा सा पोकेमोन ने हमारी सारी के सारे बेहतरीन पोकेमोन को हरा दिया था, जिसका नाम था जिगलीपफ। और हमारे सामने साइडक आ चुका है, हमने मैग्नेमाइट को चुना, कुछ ज़्यादा असर नहीं। और भाई हमारे पास पिकाचू तो है, हमें आगे यार इस बैटल के बाद हम पिकाचू को अपने टीम में रखेंगे। और भाई साइडक को मैग्नेमाइट ने हरा दिया, इसके बाद रैटाटा आ चुका है और रैटाटा ने क्विक अटैक किया, थंडर शॉक हमने दिया, लेकिन 91 एचपी अभी तक बचे हुए। फिर से हम करेंगे थंडर शॉक के साथ फाइनली रैटाटा के साथ, ये रिसर्चर भी हार चुका है हमारे सामने। तो चलिए अपनी टीम भी हम चेंज कर लेते हैं गाइज। और भाई एक और नोविस ट्रेनर का एक कुछ इवेंट आ चुका है, अचीवमेंट भी आ चुका है, और जाने दो हम तो स्किप ही करेंगे पता है, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं। तो चलिए फटाफट से हम रिप्लेस करके अपना पिकाचू रख लेते हैं हमारे पास। लेकिन तीन ही जगह, जैसे हम 4 लेवल करते हैं ना वैसे हमारे एक और जगह आ जाएगी हमारे पास एक और पोकेमोन रखने के। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर एक और मेनू में दो चीज़ें मिल चुकी है डायमंड की। तो चलिए 25 डायमंड हमें मिल चुका है, तो फटाफट से यार एक और बैटल के लिए, फ्लिंट नाम है उसका, यही हो बंदा जो है ब्रॉक का डैड। तो चलिए देख लेते इसके साथ हम बैटल करेंगे क्या। लेकिन देखते इसके पास कौन से पोकेमोन होने वाले हैं, हमें तो दिखाया नहीं था कि इसके पास कौन से पोकेमोन है। फ्लिंट नाम है, ओ भाई यही जिगलीपफ की तो मैं बात कर रहा था पिछले कल की वीडियो में। तो चलिए देख लेते एम्बर के साथ कितना तगड़ा वार होता है, 174 का डैमेज, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं इसका हमले का। एक और बार एम्बर अटैक, 17 एचपी अभी तक बची हुई है, और फिर से हम एक और हमला करेंगे और फाइनली जिगलीपफ हार चुके हैं हमारे सामने गाइस। देखते ही जियोडूड भी आ चुका है, एम्बर का कुछ ज़्यादा असर होने नहीं वाला, लेकिन हम ट्राई बट नॉट ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे मतलब समझ गए आप। फिर से हम एम्बर के साथ इसके ऊपर हमला किया और फाइनली ब्रॉक का डैड हमारे सामने हार चुका है। तो चलिए फटाफट से अब बारी है हमारी जिम के अंदर जाने की और ब्रॉक के जो आगे वाले चैलेंजर्स है उनको हराने के। हम आज 2-3 चैलेंजर्स के साथ बैटल करने वाले और एक और बार वीआईपी टॉपअप की प्रॉब्लम यार लगातार देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ऊपर की साइड है, उसको हाइड करने का अगर ऑप्शन आता तो मैं हाइड ही कर देता। तो चलिए फटाफट से यार हम फाइनली आ चुके ब्रॉक के जिम में, फाइनली पिकाचू। ओ भाई हम आ चुके हैं ब्रॉक के जिम लीडर में, हम अब करेंगे ब्रॉक के साथ चैलेंज। देखते हैं क्या तुम रेडी हो पिकाचू, पिका पिका पिकाचू। तो चलिए फाइनली पिकाचू भी रेडी है हमारा, लेकिन हमारे पास छोटा सा ही पिकाचू, अगर पहले मिल जाता तो मज़ा ही आता। देखते हैं एक और लैस नाम की एक रिसर्चर क्या उसकी
बोलते हैं उसको ब्रीडर आ चुके हैं, ब्रीडर के ही कपड़े है वो। देखते हैं इसका पहला पोकेमोन कौन सा आएगा हमारे सामने। वो भाई पहले दिख रही थी एक नॉर्मल 30 उम्र की बाई है, लेकिन अब तो 25 की लग रही है, लेकिन एक लड़की। तो चलिए इसका पहला पोकेमोन ओनिक्स आ चुका है। एम्बर हमने किया है, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं लगाता रहे एम्बर, अभी तक 99 एचपी बचे हुए। और एक और बार हम करेंगे एम्बर का अटैक, और फाइनली ओनिक्स इसका हार नहीं चुका है। 37 एचपी अभी तक बाकी है। हमारा विश्वासघात किया इस ओनिक्स ने, मतलब हमारे 4 मिलियन ने गाइस, पता नहीं लेकिन जाने दो, माफ कर देते हमारे 4 मिलियन को। जब आएगा फायर बैंक तब दिखाएंगे इस ओनिक्स और जियोडूड पोकेमोन की औकात यार। तो चलिए देख लेते, जियोडूड आ चुका है हमारे सामने। लगातार एम्बर हम करते जा रहे हैं, 29 की भी एचपी बची हुई अभी अभी के टाइम यार। देखते 50 एचपी अभी तक बची हुई, बर्नेड हो चुका है जियोडूड, और फाइनली ये लड़की भी हार चुकी है। 30 उम्र की, लेकिन दिखने में वो 20 की है। तो चलिए फाइनली हम नेक्स्ट बैटल के लिए बढ़ लेते हैं, अगले पोकेमोन चैलेंजर के पास। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है, हमें उसके साथ लेना देना तो नहीं। यहाँ पर हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे यार आगे, जैसे हम आगे आगे चैलेंजर को मतलब बंदों को चैलेंज करते जाएंगे तब। ओ भाई हम अचानक से बाहर निकल के आ गए, हम फिर से पोकेमोन मतलब प्यूटर सिटी के जिम के अंदर जाएंगे। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं इस, अब की बार हम सुपर नर्ड जो इस बंदे का नाम है मैक्स जैसा, इसके साथ हम बैटल करने वाले हैं। देखते हैं कैसा होने वाले इसके पोकेमोन। इसका पहला पोकेमोन हमारे सामने मांचलैक्स आ चुका है। एम्बर का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा इस पोकेमोन पर, लेकिन हम देखेंगे ओ भाई क्या तगड़ा पोकेमोन है। हमें तो पता ही था, और लेकिन स्नोरलैक्स भी बहुत तगड़ा होता है। 174 और दो मतलब हमले की हमें ज़रूरत होगी, फिर से हम एम्बर का अटैक करेंगे। और भाई 109 अभी तक बची हुई, लेकिन इसने भाई रेस्ट अटैक यूज़ कर लिया यार, क्या करें हम। लेकिन लगातार हम एम्बर करते ही जाएंगे, हमने ऑटो फाइट पर भी डाल दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं। फिर से हम अपने आप खुद बैटल करेंगे एक और बार एम्बर। 207 अभी तक बची हुई है, लेकिन 4 मिलियन हारना नहीं मेरे यार, प्लीज़ प्लीज़। 133 अभी तक बची हुई, शायद हार ही जाएगा, लेकिन एम्बर कर दे जा। हाँ भाई 41 अभी तक बची हुई, लेकिन उससे पहले 4 मिलियन ने हार मान ली। लेकिन इसके बाद हमारे पिकाचू को बुलाया क्विक अटैक के साथ, लेकिन थंडर शॉक करते हैं हम। पिकाचू थंडर शॉक यूज़ करो, और पहले थंडर शॉक 31 का डैमेज, और भाई एक ही वार में पिकाचू को हरा दिया इस मांचलैक्स ने। और भाई पीजी को चुना हमने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन देखते गस्ट अटैक हम कर देते इस मांचलैक्स के ऊपर, और फाइनली मांचलैक्स हार चुका है 2 स्टार विक्ट्री के साथ। फटाफट से हम नेक्स्ट बंदे के पास हम चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते हैं गाइस, लेट्स गो। अभी होने वाली आखिरी वाली फाइट जो आगे है दो लड़कियां, मैं नाम देखकर ही समझ गया। तो चलिए इसके साथ हम जिमिनी लोलिता इनका नाम है, तो देखते हैं इनके पास कौन सा तगड़ा वाला पोकेमोन होने वाले जो हमें हरा दे। ये तो नामुमकिन है, लेकिन देखते हैं तगड़े वाले अगर हो गए तो हमें भी 100% हरा देंगे। एम्बर हमने फाइनली कर दिया है गाइस, 172 अभी तक बची हुई। डिफेंस कल इस जियोडूड ने यूज़ किया, एक और बार एम्बर अटैक 4 मिलियन। देखते 101 अभी तक बची हुई, बर्नेट भी है 4 मिलियन, 53 का डैमेज और 15 का बर्नेट का प्लस। एक और बार एम्बर के साथ फाइनली देखते हैं, और फाइनली जियोडूड हार चुका है हमारे सामने। नेक्स्ट पोकेमोन सैंडस्ट्रू आ चुका है, एम्बर हमने फाइनली किया है। देखते 127 एचपी, लेकिन अब की बार है शायद हार जाए। अकरेंसी माइनस हो चुकी है सैंड अटैक के साथ। एक और बार एम्बर, और फाइनली दोनों लड़कियां हार चुकी है हमारे सामने 3 स्टार विक्ट्री के साथ। हम फटाफट से आगे बढ़ लेते ही गाइस, लेकिन आज हम यही पे ही रुकने वाले हैं यार, और फटाफट से हम डायरेक्टली अपने बेस स्टेशन में आ चुके हैं, लेकिन हमारे होम में। और इसको बोनस सब कुछ रहने देते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे भाई लोग, और हम फिर से आएंगे एक नई तगड़ी वीडियो को लेके यार। तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, बाय बाय।